सत श्री अकाल, कुलुमखा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर का एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं त्रिपुरा से घुमती जिला से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, गैस का गाड़ी चलाता हूँ। मैं अभी स्टीयरिंग छोड़ रहा हूँ। आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर है। आज मैं स्टीयरिंग छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? जो हमारा भारत का माननीय गृहमंत्री जो काला कानून लेके आया है ड्राइवर समाज के लिए, कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त कोई भी अचानक एक्सीडेंट हादसा हो जाता है और ड्राइवर उस हादसा का शिकार होके पब्लिक का मार का डर से भाग जाता है, तो 10 साल का सजा और 5 लाख रुपया का जुर्माना। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल अगर पुलिस स्टेशन लेके जाता है तो 5 साल का जेल, 5,000 का जुर्माना और पब्लिक का मार तो फ्री है। अगर पब्लिक का मार से बचेंगे तभी आपको 5 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल का जेल खटना पड़ेगा। तो हमें दोस्तों गाड़ी भी नहीं चलाना है, ना हमको 10 साल जेल में जाना है, ना 5 लाख रुपया जुर्माना देना है। कहाँ से लाएंगे भाई हम 5 लाख रुपया? इतना रुपया हम सैलरी मिलता है, हमको खाने के लिए नहीं मिलता है, 5 लाख रुपया कहाँ से मिलेगा? तो सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप ये काला कानून से बचने का एक ही रास्ता है, चक्का जाम करना है। 3 तारीख से पहले चक्का जाम कर दो, 8 तारीख से ये कानून चालू हो जाएगा। कानून चालू होने से पहले चक्का जाम करो, एक ही रास्ता है, चक्का जाम। पूरा भारत में चक्का जाम होने जा रहा है, तो सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करूँगा, चक्का जाम करो, चक्का जाम कर दो। जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर, जय सारथी, भारत माता की जय।